हे दोस्तों, फिल्मी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर, साल 1997 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर की सीक्वल फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस फिल्म में सनी देओल के साथ साथ आयुष खुराना भी लीड रोल निभाने वाले हैं। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट में फिल्म डेवलपमेंट से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि बॉर्डर 2 की शूटिंग अक्टूबर से शुरू होने वाली है। फिल्म बॉर्डर से जुड़ी टीम पिछले लंबे समय से फिल्म से जुड़ी सभी तैयारियों में लगी हुई थी। एक और बड़ी खबर है, हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार संजय दत्त, अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल का हिस्सा नहीं है। फिल्म मेकिंग से जुड़े एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि संजय दत्त ने हेल्थ प्रॉब्लम के चलते फिल्म छोड़ी है। संजय दत्त ने कुछ समय पहले ही मड आइलैंड में फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। उन्होंने एक दिन ही शूटिंग की और फिल्म छोड़ दी। वहीं दूसरी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो संजय 15 दिनों की शूटिंग कर चुके थे। फिल्म वेलकम टू द जंगल में संजय दत्त के कुछ एक्शन सीन होने वाले थे, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम के चलते संजय एक्शन नहीं कर सकते थे। जाहिर है कि मेकर्स अब संजय दत्त के रिप्लेसमेंट की तलाश शुरू करेंगे, तो इससे शायद फिल्म के रिलीज डेट में भी कुछ अंतर आए। एक और अपडेट आई है, हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट में फिल्म रामायण से जुड़ी एक करीबी सूत्र ने बताया है, नितेश तिवारी ने रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल के साथ रामायण के दो पार्ट्स की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म को बड़े पैमाने पर दिखाने और अच्छे से पेश करने के लिए मेकर्स ने इसे दो पार्ट में बनाने का फैसला लिया है। फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर फिल्म मेकर्स पहले पार्ट के रिजल्ट देखने के बाद दूसरे पार्ट की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन रामायण के दोनों पार्ट्स को ही एक साथ शूट किया जाएगा। बताते चलें कि पहले फिल्म को तीन पार्ट में बनाया जाने वाला था, लेकिन अब ये सिर्फ दो पार्ट में कंप्लीट होगी। रिपोर्ट्स के हवाले से आगे लिखा गया है, टीम ने रामायण के दोनों पार्ट्स की शूटिंग के लिए 350 दिनों का शूटिंग शेड्यूल बनाया है। इसमें एक्सटेंडेड दोनों पार्ट्स को एक साल के अंतराल में रिलीज भी किया जाएगा। एक और बड़ी खबर है, अपनी सीटों पर टिके रहें और रोमांचकारी साहसिक चीज के लिए तैयार रहें, क्योंकि मुंजया सिनेमा घरों में धूम मचाने वाली है। मेडॉक फिल्म्स ने हाल ही में मुंजया का एक बेहतरीन टीजर जारी किया है, जो देश के पहले CGI नायक की शुरुआत के साथ भारतीय सिनेमा में एक अभूतपूर्व क्षण है। ब्लॉकबस्टर हिट स्त्री के मद्देनजर मेडॉक फिल्म्स एक ऐसी फिल्म के साथ ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है, जो न केवल युवाओं और बच्चों के लिए एक सौगात है, बल्कि सभी के लिए एक रोमांचक यात्रा है। मुंजया रहस्य और रोमांस से भरपूर एक अद्वितीय, एक बहुत ही जादूगरी सिनेमाई अनुभव देने के लिए तैयार है। मुंजया का टीजर रिलीज हो गया है और इसमें डर और उत्सुकता का मिश्रण है। नेक्स्ट फिल्मी अपडेट, दिव्या घोषला, अनिल कपूर और हर्षवर्धन राणे स्टारर फिल्म तावी ए ब्लडी हाउसवाइफ का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर में दिखाया गया दिव्या का खतरनाक अंदाज देखने को मिल रहा है। यूजर्स को भी ट्रेलर और एक्ट्रेस का ये किरदार काफी पसंद आ रहा है। बता दें कि ये फिल्म इसी महीने 31 मई को रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट, अजय देवगन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म गम अगेन का बज हर जगह देखने को मिल रहा है। फैंस भी रोहित शेट्टी की निर्देशन में बन रही इस मूवी का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। अब इस मूवी में जैकी श्रॉफ की भी एंट्री हो गई है। ये दूसरी मूवी होने वाली है जिसमें टाइगर श्रॉफ अपने पिता के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। बागी 3 में एक साथ काम करने के बाद ये दूसरी फिल्म होगी जिसमें पिता और बेटे यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ एक साथ काम करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट, मम्मूटी और कन्नड़ स्टार राजवी सेट्टी उनकी आगामी मलयालम एक्शन कॉमेडी ड्रामा टर्बो का डायरेक्शन वैशाख ने किया है और इसकी पटकथा यानी कि स्क्रिप्ट फेमस राइटर मिथुन मैनुअल थॉमस ने लिखी है। फिल्म इडुकी के एक जीप चालक टर्बो जॉस के इर्द गिर्द घूमती है, जो मुसीबत में पड़ जाता है और उसे चेन्नई जाना होता है मजबूरन। फिल्म में बिंदु पनीकर, अंजना जयप्रकाश, तेलुगु अभिनेता सुनील सहित अन्य कलाकार भी हैं और ये फिल्म सिनेमा घरों में 23 मई 2024 को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आज की सबसे बेहतरीन अपडेट आपको कौन सी लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स फिल्मी सितारों और फिल्मी दुनिया के लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।